हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। आज हम बात करेंगे टॉप 15 कास्टिंग डायरेक्टर इन बॉलीवुड, मतलब जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर है उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप इन 15 कास्टिंग डायरेक्टर को रीच आउट करके या इनके पास तक अपनी प्रोफाइल पहुंचा दिए तो जान लीजिए आपका 90% काम हो गया, 10% बचे। बेसिकली मूवीज़ और वेब सीरीज की बात कर रहा हूँ, मैं सीरियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मूवीज़ में काम करना चाहते हैं और वेब सीरीज़ में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये 15 कास्टिंग डायरेक्टर जान लो वो सीढ़ी है जिसको आपको पहुंचना है वहां तक। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मुकेश छाबरा सर की। ओके, वन एंड ओनली मुकेश छाबरा सर, अगर आप इनको मतलब इनके पास तक अपनी प्रोफाइल पहुंचा दिए या इनको रीच आउट कर ले गए या इनके कास्टिंग के कंपनी में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिल लिए तो जान लो आपका काम आधा हो गया। ओके, क्योंकि ये एक ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिनको हर डायरेक्टर अपनी मूवी देता है कास्टिंग करने के लिए। तो एक बार अगर आप नज़र डाल लो तो देख लो इन्होंने कितनी मूवीज़ की कास्टिंग कर चुके हैं, पहले भी स्क्रीन पे फोटोज़ आ रही हैं मूवीज़ की। और दूसरा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर कास्टिंग डायरेक्टर ईमेल, उनका ईमेल आईडी, एड्रेस और उनका सोशल मीडिया हैंडल का कोई भी लिंक मैं आपको दे दूँगा जिससे आप उनको वहाँ तक रीच आउट कर सको। तो ये सारी मुकेश छाबरा सर की प्रोफाइल है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि अगर आपको कहीं कुछ पूछना है तो आप उनको सोशल मीडिया पे आप टेक्स्ट कर सको, उनके मेल पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर सको और उनके एड्रेस पे वॉक इन जाके ऑडिशन दे सको। अभी तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा है, बट जब भी चलेगा तो आप जाके ऑडिशन दे दो। तो अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड कास्टिंग डायरेक्टर के ओर, जिनका नाम है शानू शर्मा मैम। ओके, तो अगर आपको यशराज और धर्मा से भी कहीं भी अगर आपको मन है कि मुझे यशराज फिल्म से काम करना है या धर्मा से काम करना है तो आप शानू शर्मा मैम को पकड़ो। ओके, मैं थोड़ा सा इस मतलब नॉर्मल टोन में बोल रहा हूँ कि आप उनको मतलब पकड़ने का मतलब आप उनको रीच आउट करो। उनका मैं इंस्टा आईडी दे दे रहा हूँ, उनकी मैं मेल आईडी दे दे रहा हूँ और उनका एड्रेस दे दे रहा हूँ। आप लोग इनको अपनी प्रोफाइल शेयर करो। ठीक, शानू शर्मा मैम है, आप सब जानते हैं, अगर मैंने इनके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको अच्छे से जानना है समझना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं जाके, उसमें आपको यशराज फिल्म्स के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी कि कैसे कास्टिंग होती है यशराज की। ठीक, अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड कास्टिंग डायरेक्टर की ओर। थर्ड कास्टिंग डायरेक्टर हैं हमारे श्रुति महाजन मैम। इनका भी ऑफिस आराम नगर में ही पड़ता है, अगर आप आराम नगर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको कई कास्टिंग डायरेक्टर एक साथ मिल जाएंगे। अगर आराम नगर में बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर बैठते हैं तो बेसिकली श्रुति महाजन मैम का भी मैं ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, इनका इंस्टा आईडी दे रहा हूँ और साथ ही साथ इनकी मेल आईडी दे दे रहा हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल वहाँ तक पहुँचा सको, उनके डाटा में अपनी प्रोफाइल मतलब सबमिट कर पाओ। तो ये सारी आपको आप ही को करना पड़ेगा, मैं सिर्फ दे सकता हूँ, काम आपको करना पड़ेगा। ओके, तो आप मेक श्योर नोट डाउन करते रहो सबकी कास्टिंग डायरेक्टर की मेल आईडी और सबके सबकी इंस्टा आईडी। जैसे आप उनको सोशल मीडिया पे भी रीच आउट करते रहो, वो कोई पोस्ट डालती हो तो उनसे भी वहाँ पे आपको पता चलता रहे कि हाँ यार यहाँ पे ये चल रहा है, अच्छा ये मैम इसकी कास्टिंग कर रही हैं, ये सर इसकी कास्टिंग कर रही हैं, तो आपको पता चलता रहे। ओके, अब मूव करते हैं अपने फोर्थ कास्टिंग डायरेक्टर की ओर। फोर्थ कास्टिंग डायरेक्टर हैं अतुल मोंगिया सर। आप लोग मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे अतुल मोंगिया सर को, बट आप मैं इनकी कुछ मूवीज़ की कास्टिंग दिखा रहा हूँ कि जिस मूवी की इन्होंने कास्टिंग की है, तो आप लोग को साथ समझ में आ जाओगे कि हाँ ये भी काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर एक ये भी काफ़ी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ तक भी पहुँचानी है। तो इनका मैं इंस्टा आईडी, इनका एड्रेस और इनका मेल आईडी दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल यहाँ तक पहुँचाते रहा करो। ठीक, मूव करते हैं फिफ्थ कास्टिंग डायरेक्टर के साइड। फिफ्थ कास्टिंग डायरेक्टर हैं हमारे दिनेश सुदर्शन सोई। ओके, तो इनकी भी मैं आपको मेल आईडी, इनका इंस्टा आईडी और इनका एड्रेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहो, क्योंकि आप अगर नोट डाउन नहीं करोगे, अगर इस वीडियो को ऐसे ही देख ले रहोगे अच्छा ये हैं ये हैं ये हैं, तो समझ लो ये वीडियो ऐसे ही चली जाएगी, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम आपका कुछ तो फ़ायदा हो, ऐसा ना हो कि आप सभी कास्टिंग डायरेक्टर को किए पड़े और कामयाबी ना हो, क्योंकि ये गलतियाँ मैंने की हुई है। मैंने जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो मैं सबके पास भाग के जाता था, तो वही ना कि सही फोकस नहीं था मेरे पास, मुझे पता नहीं था जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कौन कौन है, तो मुझे हर जगह चला जाता था, तो बहुत सारे धोखे भी मिले, बहुत सारे मतलब
कांड भी हुए, तो वो ना इसीलिए मैं आपको ये एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो 15 कास्टिंग डायरेक्टर जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर उनके पास जाओ तो सेफ रहोगे। तो अब चलिए चलिए अब मूव करते हैं अपने सिक्स्थ कास्टिंग डायरेक्टर का। सिक्स्थ कास्टिंग डायरेक्टर हैं हमारे हनी तिरहन। आप इनकी भी मूवीज़ देख लीजिए कि इन्होंने कितनी कास्टिंग की हुई है, और मैं इनका आपको मेल आईडी दे रहा हूँ इनकी, कि मैं आपको इंस्टा प्रोफाइल भी दे रहा हूँ और साथ ही साथ इनके ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ कि अगर आप इनको रीच आउट करना चाहो या अपनी प्रोफाइल देना चाहो तो कैसे दे सकते हो। ठीक, हम मूव करते हैं सेवंथ कास्टिंग डायरेक्टर के साइड। सेवंथ कास्टिंग डायरेक्टर हैं हमारे जोगी मलंग सर। आप इनको अपनी प्रोफाइल शेयर करो इनकी मेल आईडी पे, और इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो इनके इंस्टा से, और इनके ऑफिस का एड्रेस मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो, जैसे कि कभी मुंबई जा रहे हो तो आप वहाँ पे जाके इनके ऑफिस में इनसे मिल सको। ठीक, तो ये सारी चीज़ आपको मैं बार बार हर कास्टिंग डायरेक्टर के बाद कह रहा हूँ कि नोट डाउन ज़रूर करना, क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे तो मिस आउट हो जाएगी, फिर दोबारा ये वीडियो ढूंढोगे नहीं कि कौन कौन जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर हैं। ठीक, तो इसलिए अभी देख रहे हो तो कॉपी और पेन उठाओ और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। स्क्रीनशॉट भी ना ले लो कि ये जेन्युइन है, लो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उससे भी वो किसी दिन ना किसी दिन डिलीट हो जाएगी। तो इसीलिए कॉपी पेन में लिख लो, एक डायरी बना लो कि कौन कौन जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुंबई जाने के लिए, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे, एक अच्छे से डायरी बना लो। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर के साइड। मैं भूल गया हूँ कौन से नंबर पे हूँ मैं। ओह, मुझे याद आ गया, हम एट्थ कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर हैं। हमारे एट्थ कास्टिंग डायरेक्टर बेसिकली एक नहीं दो हैं, जिनका नाम है अभिषेक बैनर्जी सर और अनमोल आहूजा सर। बेसिकली ये दो कास्टिंग डायरेक्टर मिलके एक कास्टिंग कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है कास्टिंग बे, और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है कास्टिंग बे के अंदर आप ऑडिशन प्रोसेस कैसे होता है, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो ज़्यादा नॉलेज के लिए। तो अगर आपको कास्टिंग बे में अपना ऑडिशन देना है तो वो वीडियो तो आप देख ही लो, और साथ ही साथ इनकी मैं मेल आईडी दे दे रहा हूँ, इनकी इंस्टा प्रोफाइल दे दे रहा हूँ, दोनों सर की दे दे रहा हूँ, और यहाँ तक कि कास्टिंग बे की एक अपनी इंस्टा आईडी है वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और इनका ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। बेसिकली इनका ऑफिस आराम नगर में ही है। इनका ऑफिस, मुकेश सर का ऑफिस, कुणाल एम शाह, श्रुति मैम और काफ़ी लोगों का ऑफिस जानते हो आराम नगर में ही। अगर आप एक बार भी आराम नगर गए तो सबको ऑडिशन या इंट्रो दे के ही आओगे। ठीक, हम मूव करते हैं अपने नाइन्थ कास्टिंग डायरेक्टर के साइड, जिनका नाम है नंदिनी श्रीखंड और करण सर। दोनों लोग, ये भी बेसिकली दोनों लोग एक कास्टिंग कंपनी है। तो अगर आपको इनकी कास्टिंग में अपना ऑडिशन देना है तो इनकी ये इंस्टा आईडी है, इनका ये मेल आईडी है, और इनका यार ऑफिस का एड्रेस मुझे भी नहीं मिला क्योंकि मैं यहाँ तक इनके पास तक नहीं पहुँच पाया था जब मैं था। तो इनकी मुझे कंफर्म नहीं है ये एड्रेस जो मैं दिया हूँ वो सही है कि गलत, क्योंकि जब मैं इस एड्रेस पर गया था तब वहाँ पर ऑफिस बंद था, मतलब वहाँ से ऑफिस हट ही गया था। बेसिकली आप जब भी जाना तो ये इस एड्रेस पे नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे बंद हो चुका है। मैं दे इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास कोई और एड्रेस नहीं है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ये एड्रेस बंद हो चुका है, मतलब इनका ऑफिस अब यहाँ नहीं है। जहाँ पे भी होगा आप दोबारा सर्च कर लेना, वहाँ चले जाना। ओके, अब मूव करते हैं अपने टेंथ कास्टिंग डायरेक्टर की ओर, जिनका नाम है विक्की सिराना। बेसिकली मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हूँ कि यहाँ पे ऑडिशंस कैसे होता है, क्योंकि इनका थोड़ा सा डिफरेंट है ऑडिशंस लेने का सबसे। तो आप इनकी भी वीडियो एक बार जाके ज़रूर देख लेना कि कैसे इनका वहाँ ऑडिशंस होते हैं। तो और मैं इनकी मेल आईडी, इंस्टा प्रोफाइल और इनके ऑफिस का एड्रेस दे दे रहा हूँ। ये सबसे अलग है, इनका आराम नगर में भी नहीं है, इनका इन्फिनिटी मॉल के पास में है। तो आप लोग वही लक्ष्मी एरिया इंडस्ट्रियल के आसपास इनका ऑफिस है, तो आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑफिस कहाँ पर है, कैसे ऑडिशंस होते हैं यहाँ पर। और अब हम मूव करते हैं अपने 11th कास्टिंग डायरेक्टर के साइड, जिनका नाम है कुणाल एम शाह। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, इनका भी ऑफिस आराम नगर में है। ये अगर हम वहाँ से फ्रंट देखें ना तो ये मेरा घर है जान लो, और मेरा घर का नाम है कास्टिंग बे, और मेरे घर के सामने वाला घर का नाम है कुणाल एम शाह। ऐसा कास्टिंग है इनका, मतलब फ्रंट में ही है और जस्ट साइड में, नेक्स्ट में, कास्टिंग बे के जस्ट नेक्स्ट में दो, मतलब दो बंगलों छोड़ के मुकेश सर का ऑफिस है। सोच लो, मतलब एकदम बगल बगल में, अगर आप कभी आराम नगर गए हो या देखे हो तो जस्ट नेक्स्ट है एकदम, समझ लो कि मतलब आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप आराम नगर जा रहे हो तो कुणाल एम शाह सर को भी अपना ऑडिशन दो। इनका मैं मेल आईडी दे दे रहा हूँ, इंस्टा आईडी दे दे रहा हूँ, इनका ऑफिस का एड्रेस दे दे रहा हूँ। आप लोग इनको जाके रीच आउट करो, अपनी प्रोफाइल शेयर करते रहो, अभी भी शेयर करते रहो, समझे? अभी ऐसा नहीं है कि ना शेयर करो, काम अभी भी चल रहा है, सिर्फ ऑनलाइन काम चल रहा है, तो आप अपनी प्रोफाइल इनको शेयर करते रहो। अब हम मूव करते हैं अपने 12th कास्टिंग डायरेक्टर के साइड, जिनका नाम है सोनू सिंह राजपूत। ये एक ऐसा नाम है, ये एक अभी उभरता हुआ नाम है,
जो कास्टिंग में आया हुआ है, मैंने एक वीडियो इनके इन पर डेडिकेटेड किया, एक वीडियो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उनकी ऑडिशंस कहते हो। बेसिकली इनका मुझे ऑफिस का एड्रेस नहीं पता है क्योंकि ये अपना ऑफिस हमेशा चेंज करते रहते हैं, तो इनकी मैं इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, इनकी मैं आपको जीमेल आईडी दे दे रहा हूँ, और एड्रेस इनका मुझे नहीं पता तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कन्फर्म ही नहीं हूँ, मैं खुद नहीं कन्फर्म हूँ कि कहाँ पर है, तो मैं आपको कैसे दे दूँ। तो इसलिए अगर आप इनसे हाँ इंस्टा पे बात करो तो ये इंस्टा पे आपको रीच आउट करते हैं, बेसिकली बहुत लोग को रिप्लाई देते हैं, सबको नहीं दे पाते होंगे बट नॉर्मली देते रहते हैं सबको। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने 13th कास्टिंग डायरेक्टर के, जिनका नाम है संजय शुक्ला सर। ये भी मतलब जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर में से एक हैं। आप अगर अपनी प्रोफाइल इनको दे रहे हो तो भी जान लो सेफ हैंड में हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इनकी में। इनका भी मुझे एड्रेस मिलता नहीं है यार, तो ये भी मतलब चेंज करते रहते हैं, मतलब मुझे कंफर्म पता नहीं है इनका एड्रेस। तो आप इनको इंस्टा करो, इनकी मेल आईडी आप अपनी प्रोफाइल वहाँ शेयर कर दो। और हमारे 14th कास्टिंग डायरेक्टर हैं शाहिद हसन सर, इन्होंने भी बहुत सारी मूवीज़ में कास्टिंग की है, आप देख सकते हो। इनकी मैं इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, इनकी मैं मेल आईडी दे रहा हूँ, इनके ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, आप लोग इनको अपनी प्रोफाइल मेल करो और नोट डाउन करते रहो प्लीज़ यार, नोट डाउन करते रहो। बहुत लोग होंगे जो अभी तक नोट डाउन नहीं कर रहे होंगे, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नोट डाउन करते रहो। और हमारे लास्ट कास्टिंग डायरेक्टर हैं पराग मेहता सर, इनका भी ऑफिस है इन्फिनिटी मॉल के आसपास ही है, और मैं इनका ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, इनकी मेल आईडी दे रहा हूँ, इनके इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग इस सबको नोट डाउन करो और सबको एक एक करके अपनी प्रोफाइल शेयर करते रहो, ठीक गाइस। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो उन 15 कास्टिंग डायरेक्टर को आप रीच आउट करो, उनसे बातें करो, उनकी अपनी उन तक अपनी प्रोफाइल शेयर कराओ। अगर इन 15 को पास आपकी प्रोफाइल चली गई है तो जान लो काम मिलने में आपको बहुत जल्दी रहेगी, मतलब आप काम अगर पा भी रहे हो तो अच्छे काम पाओगे, ऐसे वो वाले काम नहीं पाओगे कि वन डे टू डे वाले भी अगर मिल रहे हैं तो भी अच्छे प्रोडक्शन हाउस से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस में मिल जाएंगे। तो ये हमारे 15 बॉलीवुड के 15 जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर थे, मतलब और भी हैं बट ये मोस्ट टॉप 15 है, आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ तक ज़रूर पहुँचानी है। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर दो, बस इतना ही करना है। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं इंस्टा पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी जाके टेक्स्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो। बस जय हिंद, जय भारत।